हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी। क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। और मैं अकेले जा रहा, मेरे साथ जा रहे हैं पापा और मैं हो चुका हूँ रेडी और पापा हो चुके हैं रेडी। फटाफट में सामान पैक कर चुके हैं और चलते हैं सफर पर। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी ब्रेकफास्ट के बारे सुबह से कुछ हमने खाया नहीं था और टाइम अभी हो रहा है एक समय हो रहे हैं, तो चलते हैं। और यहाँ से भादुगढ़ से और मेहंदीपुर बालाजी डिस्टेंस रहेगा अराउंड 250 किलोमीटर और हमें लग जाएगा 4 से 5 घंटे, तो आप मान लो मिनिमम लग ही जाएगा। अगर बीच में एक ब्रेक भी लेते हैं तो 5 घंटे तो मिनिमम है ही, तो लंबा सफर रहेगा। और इस सफर में जुड़े रहिए और आपको आगे चल के दर्शन कराता हूँ बालाजी के। और हमारा फर्स्ट टाइम है, पहली बार जा रहे हैं, एकदम से मन कर गया और प्लान भी एकदम से बन गया। आज था शनिवार, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों ये अपना हाईवे और हाईवे से हमने जस्ट लेफ्ट में हुए हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंडियन ऑयल और मैग्डी का पॉइंट। आप और इसी तरह ये रोड बिल्कुल जाता है आपको मुंबई के लिए। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, चलते हैं आगे। और ये दोस्तों पहाड़ और पापा भी खड़े हैं। और दोस्तों अगर आपको मुंबई भी जाना है तो ये हाईवे है, यहाँ से आपको पड़ेगा कम से कम 1200 किलोमीटर। यहाँ से मुंबई 1200 किलोमीटर है, तो आप जा सकते हैं। दोस्तों 135 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और अभी आधा रह गया है। और ड्राइविंग तो मैं कर रहा हूँ तो मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। पापा क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, आज एक्चुअली प्लान बन गया अचानक। और हमारे जो मेहंदीपुर बालाजी हैं राजस्थान में, उसके दर्शन करने थे, अचानक मूड बना, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम है, पापा का फर्स्ट टाइम ही है, तो मजा आना वाला। दोस्तों हमारे शहर से 250 किलोमीटर है, आधा रास्ता तय कर लिया है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जय बालाजी। तो दोस्तों मैं ऐसा सोच रहे थे कि केएमपी का रोड बढ़िया होगा, तो चलो फर्स्ट क्लास होता है केएमपी का रोड, उसके बाद नॉर्मल रोड होगा। पर केएमपी से लेफ्ट होके हम चढ़ गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, वो केएमपी से बहुत बढ़िया है। और वहाँ पे स्पीड लिमिट 120 और 120 तो आराम से गाड़ी जा रही है, बहुत स्मूथ रोड है, काफ़ी मस्त फर्स्ट क्लास। और ड्राइविंग बहुत मज़ा आ रहा है और कोई मतलब थकान भी नहीं हो रही है। पर हमने इसे ब्रेक लिया फ्रेश होने के लिए और अब चलते हैं फटाफट। और विकास से 114 किलोमीटर और रह गया है मेहंदीपुर बालाजी, अब आप मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों राजस्थान में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे रेस्टोरेंट, जैसे यहाँ पे लिखा है विरासत टेस्ट और राजस्थान। और आगे आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे, यहाँ पॉस्टर मीडिया भी अच्छा सा है। और यहाँ पे होटल है, रेस्टोरेंट है मूलचंद के, यहाँ पे आपको पराठे मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे बहुत बढ़िया पार्किंग एरिया है और सामने यहाँ पे हाईवे और ये पार्किंग एरिया, हम अपनी गाड़ी लगा दी है। दोस्तों यहाँ पे होटल टोकर रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन चाइनीज चाट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पेशल थाली मिल जाएगी। और यहाँ पार्किंग एरिया तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो राजस्थान जा रहे हैं यहाँ ब्रेक ले रहे हैं लोगों ने और अपना एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजा। और रोड कैसा है? मंदिर के दर्शन करने से जा ही रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत बढ़िया ट्रिप पे जा रहे हैं। एरिया हाईवे के दोनों तरफ है ना, पहाड़ी एरिया भी है, मुंबई एक्सप्रेसवे और उधर पहाड़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं कुछ अपना खाते हैं पीते हैं। दोस्तों यहाँ हमने राजस्थान थाली मंगवाई है, जिसमें हमको मिला दाल, मिक्स वेज की सब्जी, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, राइस, सैलेड, छाछ, पापड़, मिसी रोटी और जागरी की बाटी और मीठे में देसी घी का चूरमा। The next day. So, दोस्तों कल हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए थे, कल रात हम 7 बजे पहुंचे थे। और उसके बाद हमने धर्मशाला में अपना रूम लिया, धर्मशाला का नाम है श्री बालाजी गुरुधाम ट्रस्ट के नाम धर्मशाला है। और ये हमें रूम मिल गया था 1000 रुपए में और काफी बड़ा रूम, आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों ये है श्री बालाजी गुरु धाम ट्रस्ट जहाँ पे हम नाइट स्टे किया, बहुत बड़े धर्मशाला है और ये मेन रोड है, बिल्कुल सीधा आप जाओगे और मेहंदीपुर बालाजी आ जाएगा। यहाँ से इस धर्मशाला से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप बाय वॉकिंग या बाय ऑटो भी चलते हैं जा सकते हो। और ये बाहर का धर्मशाला है और ये अंदर जाते ही यहाँ पे पार्किंग मिल जाएंगी आपको। अभी तो जब हम गए तो उस टाइम 3-4 गाड़ियाँ थी, कम से कम यहाँ पे 10 गाड़ियाँ आराम से ले सकती हैं, तो पार्किंग कोई इशू नहीं है। और ये अंदर जाके गैलरी है, यहाँ पे छोटा पार्क बना रखा है और ये साइड में हमारे रूम्स हैं, तो रूम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और रूम्स भी मतलब बिग साइज रूम है, तो आप कोई इशू नहीं होने वाला है, आप पूरी फैमिली साथ यहाँ पे आ सकते हैं और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ। ये अपना फुल बिग साइज बेड है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टीवी और यहाँ पे वॉच और यहाँ पे एसी, आपकी मर्जी एसी नॉन एसी जो भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़ा शीशा, यहाँ पे बैग रखा है, यहाँ पे कपड़े लेकर आए थे इस बैग में और ये छोटी सी अलमारी, ये बेड और यहाँ आपको 3 रजाई मिल गई थी हमको, तो रात को कोई दिक्कत नहीं हुई और पापा हो चुके हैं रेडी। बढ़िया रूम है ना, 3 लोग आराम से रुक सकते हैं। और ये रूम हमें मिला मात्र 1000 रुपए में। A few inches later. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर में दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं। यह मंदिर में शनिवार और मंगलवार को भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मंदिर में मुख्य रूप से हनुमान की मुख्य रूप से पूजा की जाती है और इसके अलावा प्रेतराज और भैरव को भी पूजा जाता है। इस मूर्ति की पूजा की जाती है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। इस मंदिर की खास बात है कि जो प्रसाद मंदिर में चढ़ता है उसे घर नहीं लेके जाना चाहिए। यहाँ मंदिर में किसी भी अनजान व्यक्ति से प्रसाद ना लें और मंदिर से दर्शन के बाद पीछे मुड़ के ना देखें। और आगे चलते हैं और आपको मैं दर्शन कराता हूँ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के। जय श्री राम, जय हनुमान जी। बालाजी सरकार की जय, श्री बालाजी सरकार की जय। दोस्तों मंदिर
बालाजी मंदिर के सामने श्री सियाराम भगवान का मंदिर भी है जो काफी सुंदर है, और यहाँ पे आपको श्री राम दरबार के साथ साथ राधा कृष्ण की मूर्ति देखने को मिल जाएगी जो काफी सुंदर बनी हुई है। तो दोस्तों अभी हम आए अपने धर्मशाला में और अच्छे से हम दर्शन कर लिए बालाजी के, और काफ़ी भीड़ थी, भीड़ तो होनी थी, काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं और हमारा पहली बार एक्सपीरियंस था। और कह रहे हैं भीड़ अभी कुछ ही एक हफ्ते से भीड़ हुई है, क्योंकि पहले यहाँ वो अयोध्या मंदिर बना था तो वहाँ पे सब चले गए थे। और पापा कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत मजा आ गया, जैसे सोचा था अच्छे से दर्शन हो गए। और दुकानदार भी कह रहे थे कि ये पिछले दो चार दिन से भीड़ है। हाँ, दो चार दिन से भीड़ है, काफी कम था, लेकिन हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, लाइन लंबी भले ही हो, मजा आया, सबके साथ दर्शन करने में अलग ही मजा आता है। जय श्री राम। मंदिर में एंट्री करने के बाद तो फिर तो नंबर आपका ही जाता है, और आप जैसे मैंने आपको दिखाया बाहर आपको प्रसाद मिल जाएगा, वो बाहर पंडित जी को कैसे दिखाना वो अपना भोग लगा देंगे और अपना कुछ पैसे चढ़ाना पैसे चढ़ा दो और दर्शन हो गए। और मेहंदीपुर वालों जिसकी मान्यता है, भीड़ को देखकर लगा कि वाकई दुनिया बनती है। हाँ, बहुत भीड़ थी। जय बालाजी। तो अब हमारे धर्मशाला के पास में एक अंजनी माता मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं, अब वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं, तो चलिए हमारे साथ। दोस्तों अंजनी माता मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत ही विशाल कैलाश का पर्वत, और ये अच्छे डिजाइन कर रखा है, यहाँ पे आपको वानर भी दिखा रखे हैं, यहाँ पे नीचे शेर, और काफी मतलब गार्डनिंग अच्छी कर रखी है। बाहर से मेन रोड से ये प्रॉपर अच्छा व्यू दिखता है, और भी अंदर चलते हैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मेन रोड जो आगे बालाजी मंदिर को जाता है, और अपने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी धर्मशाला है। दोस्तों मंदिर से हम आ गए थे अंजनी माता मंदिर से, और यहाँ पे धर्मशाला में आती हमने ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट में हमने लिया है आलू पराठा, अचार और दही, और पापा का भी सेम है। पापा सही है धर्मशाला, खाने पीने का भी, खाना भी सिंपल और कमरे वगैरह साफ सुथरे, बहुत बढ़िया, मजा। मस्ट विजिट धर्मशाला, अगर आप जब भी मेहंदीपुर बालाजी आए तो आज धर्मशाला में रुक सकते हो। तो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको आगे। हेलो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और सामान भी साथ पैक कर लिया है, अब चलते हैं घर की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी आप दर्शन करना आ सकते हो, बहुत बड़ी मान्यता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आए, मैंने आपको दिखाया भी था, बहुत ही काफ़ी भीड़ थी। और अब घर चलते हैं, और हमारा घर का डिस्टेंस रहेगा मेहंदीपुर बालाजी से भादुगढ़ का 250 किलोमीटर, तो हम पहुँचेंगे कम से कम 4 या 5 बजे, 5 बजे तो मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। तो मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।